नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, आज है 1 सितंबर 2020। 1 सितंबर 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस करेंगे। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी अतिरिक्त जानकारी बनेगी उसे भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। मुझे आशा है कि आपके पास पेन और पेपर, इंडिया का, वर्ल्ड का मैप सामने होगा। जरूरी सूचना में भैया, शाम को 8 बजे बेहतरीन तरीका से हम बायोलॉजी का कोशिका का ऑपरेशन करेंगे। जैसा कि हम एक मंथ से आपको बता रहे हैं, आज आ गया है समय इसका 1 सितंबर। शाम को 8 बजे सभी मित्र आएं, टाइम का ध्यान रखें, और शाम 7 बजे तो आना ही आना है आपको। रोजाना शाम 7 बजे दिल्ली पुलिस का भैया बेहतरीन तरीका से हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किन पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया है? मेरे प्यारे मित्रों, सभी को पता है, पेपर में सबने पढ़ा है, कौन नहीं जानता, हमारे श्री प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। हमारा पूरा सुशील परिवार, इनके पूरे परिवार को, इनकी आत्मा को भैया ईश्वर से यही कामना करेगा कि शांति प्रदान करें, सद्भावना बिल्कुल व्यक्तित्व करेंगे। ऐसे व्यक्तित्व के बारे में तो आपको बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ऐसे महान लोगों के बारे में बताने की भैया बिल्कुल जरूरत नहीं है, फिर भी हम चर्चा कर देते हैं। 11 दिसंबर 1935 को जन्म हुआ था, 31 अगस्त 2020 को इनकी मृत्यु हो गई। देश के 2012 से लेकर के 17 तक 13वें राष्ट्रपति रहे। 8 अगस्त 2019 को इन्हें भारत रत्न मिला था, याद रख लेना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कुछ। 2008 में पद्म भूषण, 1995 से 96 के बीच में विदेश मंत्री, 2004 से लेकर के 6 में रक्षा मंत्री रहे थे, 2006 से लेकर के 9 में विदेश मंत्री फिर रहे थे, 2009 से 12 में केंद्रीय वित्त मंत्री भी रहे, 2012 से लेकर के 17 में राष्ट्रपति रहे, 13वें नंबर के थे। बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है मेरे प्यारे मित्रों। बढ़े आगे, हाल ही में भारत ने अपने नौसेना के जंगी जहाज किस समुद्र में तैनात किए हैं? जंगी जहाज, हमने कहा हाँ, गलवान घाटी में, ये ऐसा विवाद, और चाइना में आपने आज के पेपर में भी पढ़ा होगा, बिल्कुल आपका जो चिकन नेक है वहाँ पर भी, और आपको हमने फिंगर 4 फिंगर 8 पढ़ाए थे वहाँ पर भी, बिल्कुल फिर हरकत करने लगा है चाइना। इसी को देखते हुए हमने दक्षिण चीन सागर में अपने जंगी जहाजों को नौसेना में, क्योंकि वो मलक्का स्ट्रेट से एंट्री करने के लिए हिंद महासागर में आता है। कौन आता है? बिल्कुल चाइना, जिसे हम ड्रैगन कहते हैं, कहाँ से एंट्री करता है? आइए हम दक्षिण चीन से कहा, दक्षिण सागर से कहा देते हैं आपको, दक्षिण चाइना से ही। ये पूरा का पूरा हमने अपने मित्रों को पहले से ही पढ़ा रखा है, इसमें बहुत सारे आइलैंड आते हैं। पारासर आइलैंड हुआ, स्कारबोरो हुआ, स्पार्टले हुआ, यही तो मलेशिया है, इसी के नीचे ये छुट्टा सा यहाँ पर सिंगापुर है। जरा ध्यान से देखिए, बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर से आराम से मलक्का स्टेट होते हुए आराम से साउथ चाइना सी में एंट्री कर जाते हैं। तो चाइना की हरकतों को देखते हुए कहीं ऐसा ना करे इधर से होकर के आराम से आकर के हिंद महासागर में एंट्री कर जाए, क्योंकि यहाँ हम्बन टोटा तो है ही उसका लंका के पास। मेरे प्यारे मित्रों, इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारी भारतीय नौसेना ने यहाँ पर जंगी जहाजों को तैनात कर दिया है कि किसी भी स्थिति में चाइना को भैया हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। साउथ चाइना सी से सवाल बिल्कुल पूछा जाएगा एग्जाम में, क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा में है। याद करिए, इसी से पहले जो U-2 था ना, इनका US वालों का U-2 जो जहाज था, खुफिया जहाज, आराम से इनके बिल्कुल क्षेत्र में गया था जानकारी लेने के लिए, तो इन्होंने मिसाइलें दागी थी, कहा था कि अगली बार आए तो हम उड़ा देंगे आपको। अमेरिका ने कहा था उड़ा देना, आपने अभी तो कुछ कर नहीं पाया है, तो आप क्या करोगे आगे? ये थी साउथ चाइना सी की कहानी। बड़े मित्र आगे, हाल ही में भारत ने किस देश में होने जा रहा है साझा सैन्य अभ्यास कवकाज 2020 से अलग कर लिया है? मतलब भारत ने उस अभ्यास से अपने को अलग हटा लिया है। कवकाज जो 2020 है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ये रसिया में होने जा रहा है भैया, सेना का अभ्यास है, एक्सरसाइज सेना रसिया के साथ करती, किसी भी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि चाइना के पास हमें भैया जवाब करारा देना है, इसके मद्देनजर ध्यान रखते हुए हमने वहां से अलग होने का अपना फैसला, निर्णय ले लिया है कि हम अब की बार नहीं जाएंगे, क्योंकि ड्रैगन जो है ना बहुत ज़्यादा हरकत कर रहा है इस वजह से। ये है कहानी रसिया, हम अपने मित्रों को बता देते हैं। इंडिया से ऊपर जाएंगे नेपाल मिलेगा छुट्टा सा, इससे ऊपर यही चाइना है, देख लीजिए ध्यान से, चाइना से ऊपर जाएंगे मंगोलिया है, इसी से ऊपर रसिया है। रसिया के व्लादिमिर पुतिन के बारे में बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है,
जनमत संग्रह करा करके 36 तक तो आंकड़ा इन्होंने बना रखा है। राजधानी रसिया की मॉस्को है, मुद्रा भैया रसियल रूबल है। बड़े इधर ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान अपने मित्रों को बता रखा है। इधर बर्मा, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, इधर ही है बिल्कुल मलक का स्टेट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पूर्व मंत्री चेतन चौहान के नाम पर, याद करिए मैंने ये सवाल बताया कि नहीं, चेतन चौहान बताइए क्रिकेटर थे, फिर यूपी में ये मंत्री रहे थे, इनका निधन हो गया था, इनके सम्मान में यूपी में एक रोड का नाम रखने की घोषणा कर दी है। आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है मेरे प्यारे मित्रों, ये हैं चेतन चौहान, याद कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है यूपी वाले भैयाओं के लिए। बढ़े आगे, यूपी किन किन राज्यों से सीमा लगाता है? उत्तराखंड से लगाता है, इधर हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा से, इधर राजस्थान से, इधर भैया मध्य प्रदेश से, इधर छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, इधर ये बिहार से। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछी जाए ना तो नेपाल से लगाता है, याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बहुत सारे मित्रों को ये ध्यान नहीं रहता है, ध्यान रखिए, पहले इस मैप को अपने माइंड में अच्छे से सेट करना है। आप बताइए सिंधु नदी कहाँ से बहती है? सिंधु नदी यहाँ से बहती है, हमने बताया ना ये चाइना तिब्बत है, क्योंकि बहुत सारे मित्रों को जो मैंने कल सेशन शाम को लिया था दिक्कत आती है, सर हम कैसे हिमालय पढ़े हैं, बहुत टफ सवाल है। हमने कहा टेंशन नहीं लेनी है इस परिवार में आने के बाद। देखिए यहाँ से जैसे ही सिंधु नदी निकली, हमने की बिल्कुल सही बात है, यहाँ से सिंधु की सहायक थी चिनाब, राबी, सतलज, ये सब बिल्कुल सिंधु की सहायक थी। जब हमने 1960 में समझौता किया था तब तीन उसको दे दी, तीन हमने अपने पास रख ली, याद करिए ध्यान से। यहाँ से सतलज नदी निकलती थी जो हिमाचल प्रदेश होते हुए पंजाब होते हुए आराम से जा करके मिलती थी सिंधु में, याद करिए मेरे प्यारे मित्र, चिनाब में जाकर के सब जाकर के सिंधु में मिल जाती थी। अब हमने बताया था नदियों के आधार पर हिमालय, तो नदियों के आधार पर आपको कैसे याद करना है, यहाँ पर पूरा हिमालय पंजाब हिमालय आता है, जरा ध्यान से मेरे शब्दों पर ध्यान दें। तो ऊपर किन किन नदियों के मध्य होगा, वो सिंधु नदी के मध्य होगा और ये सतलज नदी के मध्य होगा। मित्रों ध्यान दे लेना इस बात पर बहुत गौर से, बहुत गजब का पॉइंट में सिखा रहा हूं आपको। और इस वाले जैसे ही सतलज नदी के मध्य बाद में आएंगे ना, ये उत्तराखंड वाला क्षेत्र आ जाता है, आप मैप को भूल जाते हैं, मुझे ऐसी आशा है, क्योंकि भैया आपको बताया था कि ये काला पानी लिम्पुया धुरा बिल्कुल ये चर्चा में था ना, नेपाल यहाँ है, बॉर्डर नेपाल का देखिए उत्तराखंड से कहाँ लग रहा है, मेरा करजर कहाँ चल रहा है मित्रों, ध्यान दे इस बात पर। यहाँ पर काली रिवर बहती है, काली नदी का विवाद मैंने कितनी बार तो पढ़ाया है, मैंने कहा पूछा जाएगा काली रिवर। अब इस वाले हिमालय को कुमायूं हिमालय कहते हैं, याद करिए पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय। अब पूछा जाएगा कुमायूं हिमालय किन नदियों के मध्य, तो आंसर क्या होगा, इधर तो सतलज था, ध्यान से देखा करें आप कि उधर तो सिंधु, देखिए ध्यान से, इधर सिंधु नदी थी, सिंधु और सतलज के मध्य तो हो गया कौन सा अपना ऊपर वाला पंजाब हिमालय, अब सतलज के बाद वाला और यहां तक कौन सा हिमालय आएगा, उत्तराखंड में पड़ता है वो कुमायूं हिमालय। किन किन नदियों के मध्य, सतलज और सिंधु नदी के मध्य। अब देखना यहां पर काली रिवर है आपकी, ठीक है गुरुदेव, हमने कहा काली रिवर के बाद पूरा नेपाल कहां तक लगाई, सिक्किम आप भूल जाते हैं, पश्चिम बंगाल की चोटी कहते हैं गुरुदेव, हमने कहा जनाब याद रख लेना ये सिक्किम है, यहां तक ही तो नेपाल लगा है, आप लोग नेपाल को उधर ले जाते हैं भैया, नेपाल यहां तक है तो ये नेपाल हिमालय होगा, कितना तो सिंपल है, किन किन नदियों के मध्य होगा, तो बॉर्डर देख लो आप, यहाँ काली रिवर है, यहाँ पर भैया तीस्ता नदी है, तो बिल्कुल ये नेपाल हिमालय किन किन नदियों के मध्य होगा, काली रिवर और तीस्ता रिवर के मध्य। आगे बढ़ेंगे ना तो पूरा ये कौन सा हिमालय आएगा, असम क्षेत्र आ गया, कहाँ कहाँ नदियां आएगी, तीस्ता इधर वाली है, ब्रह्मपुत्र इधर वाली है, सिंपल। नदियों के आधार पर चार बार पढ़ाए थे, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। मध्य में आप देखिए लोकेशन को देखिए, माइंड में सेट करिए नदियां कहां कहां बहती हैं, आंसर होगा। बड़े आगे बिल्कुल, हाल ही में किस देश के सलामी बल्लेबाज निशात थरांगा परन बिताना ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है,
भैया लंका के थे ये, बहुत ही धुआंधार बल्लेबाज थे। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, लंका के बारे में हम अच्छे से जानते हैं भैया, बिल्कुल हम मनटोटा इन्होंने दे दिया है। लंका के बारे में याद रखिए, लंका इंडिया से कभी भी सीमा साझा नहीं करता है। पूछा जाता है, आंसर आता है लंका, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान सब लगते हैं, लंका नहीं लगता है। लंका और इंडिया के बीच में ये पाक स्टेट आती है, यहीं पर ये धनुषकोटि हमने पढ़ाया था। आप आराम से जाएंगे भैया, बिल्कुल रामेश्वरम द्वीप, वहां से टम्पू पकड़ेंगे धनुषकोटि, वहां से आदम का पुल जो राम सेतु का पुल कहते हैं, आराम से लंका में आ जाएंगे। बताया ना, यही लंका है, यहीं पर हम्बनटोटा बना हुआ है जो चाइना का है। बढ़े आगे, बिल्कुल भारत ने किस देश के साथ अपनी 14वीं रक्षा नीति वार्ता आयोजित की है, रक्षा के बारे में समझौता ऐसा किया है, सिंगापुर के साथ। कहां पर है सिंगापुर, हमने कहा भैया सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं ली सियांग लूंग, याद रख लेना ली सियांग लूंग। आइए इंडिया से इधर जाएंगे बर्मा, बर्मा से भैया ये देखना ध्यान से थाईलैंड। मित्रों मैप को देखा करें, माइंड में दो मिनट के लिए वीडियो को पॉज किया करें। लाओस है, ये वियतनाम है, आप मैप सीख गए ना, आप सब कुछ सीख गए। ये कंबोडिया है, इधर भैया ये बिल्कुल आएंगे ना तो गल्फ ऑफ कम थाईलैंड है ये। इधर मलेशिया है, मलेशिया यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। मलेशिया के नीचे छुट्टा सा ये सिंगापुर है, याद रख लीजिए यही सिंगापुर है जिनके प्रधानमंत्री ली सियांग लूंग है, इनसे हमने बिल्कुल भैया वार्ता की है 14वीं, ठीक है। ये लंका से, लंका से ये पूरा का पूरा इधर इंडिया से आते हैं तो ये बिल्कुल स्टेट ऑफ मलक्का होते हुए साउथ चाइना सी में एंट्री कर जाते हैं। बड़े आगे इस मैप पर देखिए, आपको दिख जाएगा इंडिया से ये वाला, बिल्कुल भैया ये वाला कलर दिख रहा है ना, जैसा इंडिया का कलर है ऐसा ये मलेशिया है। यहाँ छोटा सा बिल्कुल जैसे अपना दिल्ली है ना, एरो देखिए कहाँ पर जा रहा है, यही सिंगापुर है। लंका ये अलग लटका हुआ है। बड़े आगे, बिल्कुल हाल ही में मुस्तफा अदीब किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए, लेबनान में जो इस्तीफा दे दिया था ना, आपको पता है बम फटा था भैया, अब नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। कमेंट बॉक्स में बताना पूर्व कौन प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। लेबनान कहाँ पर है गुरुदेव, हमने कहा हम बता देते हैं भैया, ये हैं प्रधानमंत्री, नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए। याद करिए जब मैंने अफ्रीका कॉन्टिनेंट पढ़ाया था तो आपको रिफ्ट वैली पढ़ाई थी, रिफ्ट वैली लेबनान से लेकर के मोजाम्बिक चैनल तक जाती है, जब दो प्लेटें अपसारी होती हैं, अलग अलग जाती हैं, ब्लॉक होती हैं, तो भैया घाटी बनती है, जब पास आती हैं तो एक माउंटेन का निर्माण करती हैं, आराम से हमने बताई थी, अपसारी प्लेटें, अपसारी प्लेटें, याद करिए इसको। लेबनान ये वाला है, इधर इजराइल है पूरा का पूरा, इधर भैया गोलन हाइट है, सीरिया लगाता है, जॉर्डन लगाता है, डेड सी यहीं पर है, यही वेस्ट बैंक है, यही गाजा पट्टी है, यही तेल अबीब है, यही भैया यरूशलम है, यही मेडिटेरियन सी है, यही सेनाई पेनंसुला द्वीप है, यही मिस्र है, याद करिए सारी चीज़ों को, रिवीजन करिए भैया, यही मिस्र सेनाई पेनंसुला को काट करके हमने स्वेज कैनाल बनाई थी जो मेडिटेरियन सी को और लाल सागर को आराम से जोड़ती है, याद करिए मित्रों इस चीज को आराम से लेबनान के बारे में। बढ़े आगे, बिल्कुल हाल ही में थम्बी महोत्सव 2020 के नाम से ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल का आयोजन कौन सा राज्य करेगा, याद रख लेना बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल ऐसा काम केरल करेगा। केरल के बारे में तो हम पहले से ही जानते हैं, हमने कहा ये पश्चिमी घाट का है जिसके तट को हम मालाबार का तट कहते हैं, तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल का तट कहते हैं गुरुदेव, यह केरल है ना, यहाँ पर एक जिला है पुडुचेरी का जिसे माहे कहते हैं, हमने कहा ये माया पूरा का पूरा भैया पश्चिमी घाट कहलाता है, ये पूरा का पूरा पूर्वी घाट कहलाता है, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट नीलगिरी की पहाड़ी पर मिल जाते हैं, ये महाराष्ट्र वाले को हम भैया कोंकण का तट कहते हैं, ये वाला गोवा से ये कर्नाटक वाले को कन्नड़ का कहते हैं, केरल वाले को मालाबार का तट कहते हैं, तमिलनाडु के वाले को कोरोमंडल का तट कहते हैं, ठीक है। केरल के बारे में हम गुरुदेव पहले से जानते हैं, राजधानी तिरुवनंतपुरम है, यहाँ एक अभी वो चलाई गई थी भैया समुद्र में, क्या चलाई गई थी बताना मेरे प्यारे मित्रों, समुद्र में एक एम्बुलेंस चलाई गई थी। आरिफ खान राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हैं, लोकसभा 20, राज्यसभा 9, विधानसभा 140, और क्या है केरल में याद करिए, राष्ट्रीय उद्यान मैंने जब पढ़ाए अन्नामुड़ी 16, एराविकुलम, मटिकट्टन, रोजाना याद किया करें, लिखा करें, पेरियान, पंबादुम, साइलेंट वैली यहाँ पर है तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में, याद करिए मैंने यहाँ इडुक्की परियोजना पढ़ाई थी आपको, याद करिए मैंने बेम्बनाथ झील पढ़ाई थी, पेरियार झील पढ़ाई थी, मैंने यहाँ कहा था कि यहाँ के भैया लेगून को कयाल कहते हैं,
बताया कि नहीं बताया, सब कुछ मैंने बताया था केरल के बारे में, लैगून है, कयाल है, सब बताया। वेम्बनाद झीला या नौकायन प्रतियोगिता होती है ओडम के पर्व पर, जो भैया या केरल वालों को बिल्कुल ये नेहरू ट्रॉफी दी जाती है। हाल ही में जमतारा ई सिम फिशिंग समाचार में था, ये किस प्रकार की धोखाधड़ी है, सावधान हो जाए, बैंकिंग से धोखाधड़ी है। क्या होती है सर? पहले तो जमतारा देखें, जमतारा एक झारखंड में सिटी का नाम है, यहाँ पर बहुत सारे लोग लग्जरी गाड़ी में घूमते हैं। अब सवाल बना सर, ई सिम फिशिंग क्या होता है? हम बताते हैं, ई सिम क्या होता है सर? हमारे मोबाइल में तो सिम होता है। हमने कहा जब आपके सपने बहुत सारे बड़े होंगे, आप अच्छा मोबाइल खरीदेंगे, उसमें ई सिम का काम होता है। ई सिम मतलब एक भैया आराम से वेबसाइट पर जाइए, आपको जो लोग क्या करते हैं, जमतारा में बैठे बहुत विद्वान लोग होते हैं सर, ये आराम से आपके पास मैसेज आते हैं, नहीं फ़ोन नहीं आते हैं, अरे आप ये अपना ये करा लो, अपना बैंक में ये करा लो, आपका बैंक में ये हम वो केवाईसी कर दे रहे हैं। आप लोग आराम से केवाईसी के बारे में भैया जाल में फंस जाते हैं। ये कहते हैं हम एक मेल भेजेंगे आपके पास, हमने कि बिल्कुल भेजो, मेल पर आप क्लिक कर देना तो आपकी केवाईसी हो जाएगी। आप क्लिक कर देते हैं मेरे प्यारे मित्रों, जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो इनके पास जरूरी सूचना बिल्कुल पहुँच जाती है। ई सिम फिशिंग का मतलब होता है किसी भी वेबसाइट पर जा कर के, देखिए एक फोन में कई सिम डाल सकते हैं, सिम नहीं डलती है, इंटरनेट से सिम आ जाती है। ई सिम फिशिंग को बड़ा ध्यान से समझना है, लॉजिक है इसका। आपके फोन में जैसे ही एक मैसेज आई, भैया पूरा सिम जो अपना आपकी सिम है वो उस व्यक्ति के पास पहुंच जाती है जो जमतारा में बैठा हुआ है, क्योंकि आपने उसे इंफॉर्मेशन सारी दी है। अब जब भी वो जमतारा से, जब आपका बैंक से पैसा निकालेगा ना, आपके पास ओटीपी आएगा, वो अब ओटीपी आपके पास नहीं आएगा मित्रों, अब ओटीपी उसी के पास जाएगा। ध्यान से समझें, क्योंकि वो सिम ई सिम बन चुकी है, उसके पास पूरा डाटा पहुंच चुका है। बैंकिंग से संबंधित है, बहुत लंबा भैया कंसेप्ट है ये, ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है बड़े। हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि इतने से 7.5 लाख से बढ़ा करके 25 लाख कर दी गई है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या है अगस्त के प्रमुख दिवस? 1 से 7 अगस्त को विश्व स्तनपान सप्ताह, 3 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस, 5 अगस्त को मैत्री दिवस, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन, 9 अगस्त को नागासाकी दिवस, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस, 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त को बांग्लादेश का शोक दिवस मुजीबुर रहमान के जन्म उस पर मनाया जाता है, 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस, 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी, 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस, 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, 26 अगस्त को महिला समानता दिवस, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। सारा का सारा ज्ञान हमारे टेलीग्राम पर मिल जाता है। भैया मिलेंगे शाम को 7 बजे 8 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद, जय भारत।